ट्राई के द्वारा 2017 के अंदर नियम में बदलाव किया जाता है और आईएमईआई नंबर के अंदर अगर आप छेड़खानी करते हुए पाए जाते हैं तो आपको जेल की सजा हो सकती है 3 साल की। तो क्या वीवो इंडिया का जो सीएमडी या फिर आप कह सकते हैं जो भी सीईओ है उनको 3 साल तक जेल में जाना पड़ेगा। 420 का केस रजिस्टर्ड हुआ है मेरठ के अंदर जो कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन्वेस्टिगेशन के बाद किया गया है। 6 महीने से ऊपर से इसके ऊपर काम चल रहा था और एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा इस बात को लेके कंप्लेन किया गया मेरठ थाने में और उसके बाद ये बात शुरू हुई। साइबर क्राइम की तरफ से इसको देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि 13,500 लोगों का जो आईएमईआई नंबर था मोबाइल का वो सिमिलर था। बात यह हुआ कि एक सब इंस्पेक्टर जो कि मेरठ में पोस्टेड है उनके द्वारा अपने मोबाइल को सर्विस सेंटर में दिया जाता है रिप्लेस के लिए और रिप्लेस के बाद जब उनके पास सर्विस सेंटर के साथ मोबाइल आता है तो उन्होंने डब्बे के ऊपर जो आईएमईआई नंबर था उससे जब मैच किया अपने फ़ोन के आईएमईआई नंबर को तो डिफरेंट पाया और उसके बाद बात शुरू होती है कंप्लेन की और कंप्लेन के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है और जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जाता है तो पाया जाता है कि ये सिलसिलेवार ढंग से एक सर्विस सेंटर के द्वारा ये काम हो रहा है और वहाँ पे आईएमईआई नंबर को बदला जा रहा है या आप कह सकते हैं कि सिमिलर तरीके की आईएमईआई नंबर के फ़ोन नंबर जो है इशू किए जा रहे हैं। अब आईएमईआई नंबर क्या होता है? एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसके द्वारा मोबाइल पे नंबर्स दिए जाते हैं और उसके द्वारा मोबाइल को ट्रैक किया जाता है। अगर वो नंबर नहीं है तो आपका मोबाइल ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है और इसका इस्तेमाल क्रिमिनल्स के द्वारा किया जाता है जो कि आप कह सकते हैं कि आईएमआई फ्लैशर एक होता है एप्लीकेशन जो कि यूट्यूब के ऊपर भी बहुत फेमस है, यहाँ पे वीडियोस मिलियंस में व्यूज लेके बैठे हुए हैं। बताया जाता है कैसे आप आईएमआई नंबर को फ्लैश कर सकते हैं और उस तरीके से आप आईएमआई नंबर को चेंज करके अपने फ़ोन का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसी चीज़ से बचने के लिए 2017 में रूल आया और उस रूल में साफ साफ बोला गया कि अगर आप इंडिया के अंदर आईएमआई नंबर के अंदर छेड़खानी करते हैं तो आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये घटना पहले जबलपुर में भी घट चुका है और वहाँ पे लगभग 1 लाख फोन का सिमिलर तरीके का केस हुआ था जहाँ पे आपको आईएमआई नंबर सिमिलर देखने को मिला था। अब कंपनी यही थी या कोई और कंपनी थी इसके बारे में पुष्टि तो नहीं हो पाई लेकिन ऐसा इन्फॉर्मेशन मनी कंट्रोल की तरफ से दिया गया जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। आप सभी को बता दें कि वीवो इंडिया को इसके ऊपर क्लियरिफिकेशन लेके आना चाहिए कि ये जो गलती है क्या वीवो इंडिया की है या फिर ये वीवो के एक सर्विस सेंटर का किया जा रहा है। प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेस्टर्न कंट्रीज को अगर देखें तो वहाँ प्राइवेसी को लेकर हमेशा से बात चलती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जागरूक हैं। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर प्राइवेसी को लेके लोग इतने जागरूक नहीं हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप फ्री में 100 रुपये का भी कूपन देना स्टार्ट कर दें तो लोग आपको मोबाइल नंबर के साथ आधार नंबर भी आपके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो जियो फोन रजिस्ट्रेशन का कोई भी वीडियो डालिएगा यूट्यूब के ऊपर और वहाँ पर जाकर देखिएगा कैसे लोगों ने अपने सारा डिटेल दे रखा है। यहाँ पर लिटरेसी इस तरीके की बहुत कम है जहाँ पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें लोगों को अंतर समझ में नहीं आता है। अब जहाँ पे लिटरेसी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम को लेके या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेड को लेके इतनी कम है वहाँ इस तरह की घटना हो जाए तो सोचिए देश में क्या किया जा सकता है। बहुत सारे फ्रॉड्स आज की डेट में होते हैं जहाँ पे आपके पैसे आपके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं, आपके सिम को क्लोन कर लिया जाता है, आपके अकाउंट को हैक कर लिया जाता है। इस तरह की घटनाओं का अंजाम इस तरह के मोबाइल फ़ोन से दिए जाते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, शेयर जरूर कीजिएगा और सभी को ये बात इन्फॉर्म कीजिए कि आप अपना आईएमई नंबर आपके मोबाइल नंबर का जो आईएमई नंबर *#06# दामने से आता है वो आईएमई नंबर क्या आपके मोबाइल फ़ोन के डब्बे के ऊपर जो लिखा गया है उससे मैच कर रहा है या नहीं। प्लीज़ चेक करके देखिए, अगर नहीं आता है तो प्रॉब्लम है और सिमिलर है तो ठीक है, प्रॉब्लम है तो उसको रिपोर्ट कीजिए, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो अच्छी बात है, आप सभी को बताइए इस बात को कि वो लोग भी चेक करें। इस तरीके के स्कैम से बचने के लिए आप लोगों को इम्पोर्टेंट है कि पार्टिसिपेट करें इस मुहिम में और इस वीडियो को भी शेयर करके आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं। थैंक यू सो मच देखने के लिए। आगे आने टाइम के अंदर वीवो इंडिया अगर कुछ बात बोलता है तो जरूर लेके आएंगे आप लोगों तक। यूट्यूबर्स से आग्रह है कि आप लोग जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाएं क्योंकि आप लोगों की रीच मेरे से ज़्यादा है और ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए।